वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि टिकट ना मिलने से खफा भाजपा नेताओं को मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और रूठों को मनाने की कमान उन्होंने खुद अपने हाथ में ली है। मंडी में आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी रणनीति बनाई गई। जयराम ठाकुर ने मंडी में चुनाव के लिए स्थापित मीडिया सेंटर का निरीक्षण भी किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि 29 अक्टूबर तक चुनाव मैदान में उतरे भाजपा के सभी बागी नेता अपने नाम वापस ले लेंगे। चुनाव के दिनों में स्वाभाविक रूप से बहुत सारे कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है कि पार्टी का टिकट उनको मिले, लेकिन उसके बावजूद हमारी पार्टी में एक स्थापित व्यवस्था है कि पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व के साथ चर्चा करने के बाद जो निर्णय करता है वो निर्णय अंतिम होता है। और अब की बार भी हिमाचल प्रदेश में जो निर्णय हुए हैं वो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा करने के बाद जो अंतिम हुए हैं, वो सब लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किए हैं। लेकिन ये भी बात सत्य है कि कुछ साथियों ने, कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और लोगों ने भी नॉमिनेशन फाइल किए हैं। हम उन कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में हैं, संवाद में हैं, बातचीत कर रहे हैं और बहुत जगह हम उसमें सफल हो गए हैं जहाँ उन्हें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट यानी निर्दलीय उम्मीदवार के नाते अपना नॉमिनेशन फाइल किया था। मुझे उम्मीद है कि 29 तारीख जिस दिन विड्रॉल की डेट है उस दिन बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने निर्दलीय पार्टी के कार्यकर्ता होने के बावजूद फॉर्म भरे वो वापिस लेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा घोषित हैं उनके लिए प्रचार करेंगे, काम करेंगे।